भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले चार चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में है और इसके साथ बचे हुए तीन चरणों में होने वाले चुनावों के रुझानों को भी भाजपा के पक्ष में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक लंबा समय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिताया है, इसलिए उन्हें पता है कि पूर्वांचल में पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की लहर पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में कितनी तेजी से बही है। वहीं उन्होंने आगामी बचे हुए तीन चरणों में बढ़ चढ़ के मतदान करने के लिए अपील की है ताकि एक बार फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और विकास का एक नया इतिहास लिखा जा सके। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के अंदर 17 में चार सीटें पर भाजपा को जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कुल मिल रहे रुझानों को देखते हुए मुझे यह विश्वास है कि पूर्वांचल के कुल 17 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को जनता भारी मत देकर जिताएगी, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है तथा हमारी सरकार जो वादा करती है वह करके भी दिखाती है। इसका पूर्ण उदाहरण पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई गई सफल सरकार है, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो या सरकार की अन्य योजनाएं। उन्होंने कहा कि सपा व बसपा ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है तथा पूर्वांचल और पश्चिम में दोनों ने 22 चीनी मिलों को बेचने का पूर्ण फैसला कर लिया था, लेकिन जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो सबसे पहले इन चीनी मिलों को बेचने के फैसले को खारिज करते हुए सभी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का काम किया गया। उन्होंने इस मामले में पिपराइज का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी विकास जनसेवा और पिछले पांच सालों में पारदर्शी तरीके से चलाई गई सरकार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अग्रसर है, इसके लिए आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत 1,52,000 करोड़ कंपनी के तहत कुल 13 विभाग को प्रोडक्शन लिंक के तहत इंसेंटिव स्कीम के तहत विकास को एक नया पायदान देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, आपके माध्यम से मतदाताओं तक भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन के पक्ष में अपनी अपील को पहुंचाने का और अपनी नीतियों और आगामी कार्यक्रमों को पहुंचाने का एक प्रयत्न है, उसने में प्रेस वार्ता है। चुनाव के चार चरण पूर्णता की तरफ पहुंच चुके हैं, तीन चरण अभी बाकी हैं। अब तक की रुझान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही शानदार पक्ष में है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पक्ष में सकारात्मक वातावरण है। मैं इस पूर्वांचल के इस बेल्ट से भी काफ़ी जुड़ा रहा हूँ निरंतर। अब जैसे गोरखपुर बस्ती जो पुराने मंडल थे, इसके यहाँ 41 सीटों में हम पिछले दिनों 17 में चार सीटों पर नहीं थे, लेकिन जो रुझान आ रही है लग रहा है इस बार सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस नाते हैं कि भाजपा की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जी कहा कि किसानों के हित में हम उनके कर्जों को माफ़ करेंगे, पहली कैबिनेट में करेंगे, तो पहली कैबिनेट जो एक औपचारिक शपथ देने के बाद होती है, शिष्टाचार परिचयात्मक तो हुई, लेकिन रियल कैबिनेट पूरे पैसों का इंतजाम करके 5 दिन के अंतराल पर हुई और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया। ये पूर्वांचल है और मध्य पूर्वांचल और पश्चिम में सपा बसपा के ज़माने में 22 चीनी मिलों के बेचने की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, लेकिन उन मिलों को बेचना रुका
और चीनी मिलों को चालू किया गया, पूर्वांचल में पिपराई जैसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, और फिर से भारत में जो उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग के अग्रणी राज्य थे, अब उत्तर प्रदेश बहुत पीछे जा चुका लेकिन उसे योगी सरकार ने फिर से आगे लाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, आवागमन के विकास, अनंत प्रकार के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए जगह जगह अपने कार्यक्रम कर रही है और जनमत उसके पक्ष में है। हम चुनाव, विकास, कानून व्यवस्था, जनसेवा के अच्छे कार्य, कोरोना में की गई एक बहुत ही सार्थक मानव जीवन की रक्षा की पहल, उनके इलाज की पहल, और एक साफ सुथरी पारदर्शी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में चलाने, डबल इंजन की सरकारों की द्वारा कैसे जनता को फायदा मिलता है उसको करके हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे पक्ष में पॉजिटिव चीज़ें, उदाहरण के रूप में डबल इंजन सरकार के सैकड़ों फायदे, मैं एक एग्जांपल आपके बीच दे देता हूँ। 2014 में हम सब 72 एमपी उत्तर प्रदेश की जनता ने जिताया और 72 एमपीओं को जीतने के बाद केंद्र में एक मजबूत मोदी जी की सरकार बनी। 32 वर्षों के अंतराल में पूर्व मोहम्मद की, स्वयं मोदी जी उत्तर प्रदेश से सांसद, उनका विशेष लगाव था उत्तर प्रदेश के लिए, वो चाहते थे हर गरीब को तत्काल छत मिल जाए। उन्होंने पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी राशि भेजी, लेकिन 14 से 17 तीन वर्ष तक लगातार बाधा, जैसे ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं में लगातार बाधा डालती रहती हैं। इसी गोरखपुर में किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी 2018-19 में और यहीं से शुभारंभ किया गया था एक बड़ी रैली में, लेकिन वो किसान सम्मान निधि देश के सारे किसानों को मिले, ममता के विरोध के कारण अब तक नहीं मिल रही थी, कोर्ट के हस्तक्षेप से अब मिलना शुरू हुई। उसी तरह अखिलेश ने 14 से 17 तक तीन बरस तक प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बाधा डाली कि तीन वर्ष में केवल 60,000 आवास रजिस्टर्ड हुए, मात्र 17,000 बने। 17 में योगी जी की अगुवाई में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास के 43 लाख से ज़्यादा आवास बन के लोगों को डिलीवर कर दिए गए, सौंप दिए गए और पाइपलाइन में है। अवशेष 1 लाख मुख्यमंत्री आवास योगी जी ने अपने अलग से पहल से बनवाए, अब कहाँ 3 वर्ष में मात्र 17,000 और कहाँ 5 वर्ष में 44 लाख और शेष पाइपलाइन। तो ये जो डबल इंजन की सरकार का फायदा है, उत्तर प्रदेश की जनता इसका सुख महसूस कर चुकी है। इस नाते वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा जनादेश पुनः देने जा रही है। 10 मार्च के परिणाम उसके पक्ष में रहने वाले हैं। मेरा गंभीर आरोप है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो दल हैं जो केवल जाति की राजनीति करते हैं, उन्होंने प्रदेश के संग हमेशा छल किया, अन्याय किया। उदाहरण स्पष्ट है, 7.5 साल केंद्र सरकार मोदी जी को चलाते हो गया, उसमें योगी जी का कर्मठ योगदान 5 साल का और भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार का। ठीक इसी तरह 2004 से 9 और 9 से 14 10 साल मनमोहन की अल्पमत सरकार, इन्हीं सपा बसपा के लोगों ने उस सरकार को समर्थन दिया था, वरना सरकार नहीं चल सकती थी। 10 साल उत्तर प्रदेश के इन्हीं दो दलों ने यहाँ नूरा कुश्ती लड़ते थे और वहाँ वो सरकार चलाते थे। एक भी उदाहरण नहीं है कि संसद में कभी उत्तर प्रदेश की आवाज़ यहाँ के विपक्ष के 70 सांसद 2004 से 9 और 65 सांसद 2009 से 14 तक कोई विषय उठाए हो। योगी जी उस समय भी उठाते थे इंसेफ्लाइटिस की मरीजों की बात, बच्चों के ज्वर की भी बात, उनके काला ज्वर की बात, नेपाल की तराई से आने वाले जल से उत्पन्न तमाम यहाँ तराई जनित बीमारियों की बात, संसद में उन्होंने बुलंदगी से बातें उठाते रहते रहे, लेकिन मनमोहन सरकार पर कभी जू नहीं रहेगी। लेकिन जब योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री हुए तो वो सारे समाधान किए और एम्स जैसा चीज
मोदी जी के सहयोग से आपके आंख के सामने है। तो ये जो चीज है, हम आप चौथे खम्भे आपके माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि पौने आठ साल में उत्तर प्रदेश आज कहाँ पहुंचा है। हर दृष्टि से विकास, सामाजिक सरोकार, भारतीय राजनीति में फिर सबसे अहम प्रदेश, और 10 साल इन सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के साथ जुड़े रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश को 10% का भी फायदा, लाभ, विकास नहीं उपलब्ध कराया। इस नाते जनता इस सब चीज़ों को खुली आंख देख रही है। मोदी योगी के युग में वो भाजपा को प्रबल जनादेश देने जा रही है, ये मैं आपके माध्यम से अब तक के दौरे के आधार पर बताना चाहता हूँ। कितने सीटों पे जीतेंगे? 300 पार का हमारा नारा है, हम 300 पार चरितार्थ करेंगे, बहुत मजबूत बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या अगर जीत जाते हैं तो कुछ ऐसा काम रह गया जो कि जीतने के बाद आप पूरा करेंगे, कुछ ऐसा काम छूट गया हो? पहले तो काम हम लोग छोड़ते नहीं, काम शुरू करते हैं, उसको पूरा करते हैं। पहले तो बात बता दें कि जितने अधूरे काम कांग्रेस ने छोड़े थे, सपा बसपा पुराने लोगों ने, सब हम लोगों ने पूरा किया। उदाहरण के रूप में रेल की कोई भी डबलिंग का काम अवशेष नहीं रह गया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम एक दो अपवाद छोड़ के कोई अवशेष नहीं रहेगा रेलवे का। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक विद्युतीकरण ग्राम का विद्युत उपभोक्ता की संख्या 1,08,00,000 थी, हाउस होल्ड रजिस्टर्ड विद्युत उपभोगकर्ता जिनको की बिजली कनेक्शन था 23 करोड़ की आबादी में। योगी सरकार की सार्थक पहल से इन 5 वर्षों में हाउस होल्ड कनेक्शन की संख्या 2,98,00,000, मतलब जस्ट 3 गुना हो गई, सबको विद्युत कनेक्शन। और विद्युत की उपलब्धता, हम आज जिस तरह की बिजली दे रहे हैं, यह बिजली उत्तर प्रदेश में संभव नहीं, इसलिए हम कोई काम छोड़ते नहीं। जितने आगे के दिनों में लिंक एक्सप्रेस का काम 22 दिसंबर तक लक्ष्य है, वो पूरा होगा, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बननी है पूर्वांचल एक्सप्रेस से। वैसे जितने हमारे विकास के अन्य प्रोडक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, वो पूरा होनी है। इसके साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा होगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा उसको, जिसका शुभारंभ हो चुका है। तो ये सारे काम करेंगे। सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य हमारा है, मोदी जी ने देश को दुनिया के अंदर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य बनाने का संकल्प लिया, उस दिशा में आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट से वो देश को आगे ले जा रहे हैं। देश को आगे ले जाने में अनेक परियोजनाएं हैं, मैं भिन्न भिन्न परियोजनाओं को उदाहरण देते हुए 1,52,000 करोड़ की 13 डिपार्टमेंट की जो है PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन को प्रोत्साहन भारत सरकार की राशियों द्वारा देने की योजना, 13 डिपार्टमेंट, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्वयं मेरा डिपार्टमेंट जो हैवी इंडस्ट्री, उसमें ऑटो इंडस्ट्री, ये जो देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य राष्ट्र बनाना, उसमें योगी जी का संकल्प है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसे हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य हम बनाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश सबसे आर्थिक समृद्ध राज्य बन सके। देश के विकसित राज्यों में आज योगी जी की पहल से यह 17वें पायदान से आज दूसरे पायदान पर आके खड़ा हो गया है। हमारा राज्य विकसित राज्य के रूप में उसे नंबर 1 पर लाना, तो ये लक्ष्य हमारा रहेगा कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य बने। और लक्ष्य इसलिए सफल होगा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी की अगुवाई में ऐसे ऐसे कदम उठाए। उदाहरण के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये स्कीम इतनी बेहतर लॉन्च हुई कि रोजगार बढ़ाने में, आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में सफल रही, इतनी सफल रही कि भारत सरकार ने अभी हाल के बजट में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट उसी स्कीम का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर दिया। तो ये सारे काम, और जो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर रहन सहन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर आवागमन और रोजी रोजगार के बेहतर अवसर, ये सब उपलब्ध कराएंगे। और 2 मुख्य बातें, शासन पारदर्शी, और दूसरी कानून का राज 5 साल करके दिखाया है, आगे और कानून का बेहतर राज करके दिखाएंगे।